हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। अगर आपके पास भी जनधन योजना का खाता है तो ये वीडियो कहीं ना कहीं देख लेना, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ ऐसे अपडेट निकल के आ रहे हैं कि आप लोगों के खाते में आएंगे 15 लाख रुपये। कितनी सच्चाई है, क्या न्यूज़ है, मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। बहुत सारे वेबसाइट पर भी मैंने देखा, अमर उजाला, जी न्यूज, सरकारी योजना जैसे बहुत सारे वेबसाइट पे ये न्यूज़ दी गई है कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आ सकती है। लेकिन दोस्तों, सरकारी योजना .com पे ये पूरी न्यूज़ आपको जेन्युइनिटी के साथ दी गई है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको आना है सरकारी योजना .com की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप आओगे तो आपको एक न्यूज़ देखने को मिलेगा, जनधन योजना के खाते में अचानक से आ रहे हैं इतने रुपये। तो दोस्तों, वाकई में इतने रुपये आ रहे हैं, इसके क्या सच्चाई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको पढ़ लेना है ये न्यूज़। यहाँ पे आप दोस्तों पूरी जानकारी देख सकते हैं। जनधन योजना के खाते में पिछले एक हफ्ते से अचानक रुपए आने से काफ़ी बातें बन रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि फिर से लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, चर्चा तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लोगों के खाते में कुछ रुपये आने शुरू हो गए हैं। बात तो यह सच है, लेकिन इसका कारण अब तक पता नहीं चल रहा है। रुद्रपुर के क्षेत्र के कुछ लोगों के खाते में 2 से 5 हज़ार रुपये, यहाँ पे दोस्तों आप सब साफ साफ पढ़ सकते हैं, 2 से 5 हज़ार रुपये आए हैं, मगर किसी को पता नहीं है कि फिलहाल तो लोग इस चिंता में हैं कि वह इस पैसे का उपयोग करें या नहीं। इससे अफवाहों को बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है और मोदी सरकार 15 लाख जनधन खाते में छोटे छोटे किस्तों में भेजेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले मंत्री ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसके तहत बताया गया था कि 15 लाख रुपए जो आएंगे छोटे छोटे किस्तों में आएंगे। तो वही बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी शुरुआत में बताया था कि काले धन में से आम भारतीय नागरिक जिसका जनधन में का खाता है के खाते में 15 लाख रुपये देगी, लेकिन बाद में इसे चुनावी जुमला कहकर लोगों ने भी भुला दिया। लेकिन 2019 का चुनाव सर पर है और फिर से एक बार लोगों के जनधन खाते में रुपए आने शुरू हो गए हैं। यानी कि दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि 2019 का चुनाव जो है वो सर पे है और कुछ दिनों पहले मोदी जी के एक मंत्री ने बयान में बताया था कि लोगों के खाते में काला धन में से जो रुपया कलेक्ट हुआ था 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन वो छोटे छोटे किस्तों में आएंगे, छोटे छोटे अमाउंट में आएंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इन लोगों को मिला है इतना इतना पैसा। यानी कि दोस्तों, लोगों का नाम और डिटेल भी दी गई है और ये जानकारी पूरी तरह से जेन्युइन है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बता देते हैं कि बड्डिया दल के संतोष मौर्या का PNB मंझगांव बैंक में अकाउंट है। उन्होंने यह भी बताया कि 4 दिन पहले खाते में 1968 रुपये आया है। बकरी बाजार के रामश्रेय वर्मा और धीरेन्द्र के खाते में 3000 व 2000 रुपये आ चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके खाते में 3000 2000 आ चुके हैं। उन्होंने पैसे आने के संबंध में बैंक कर्मियों से बात की, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया। बात तो की लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, नहीं हो सका पैसा कहाँ से आया और किस प्रकार आया है। और कुछ लोगों ने पैसे निकाल कर इसका इस्तेमाल भी कर लिया। यानी कि दोस्तों, लोग कुछ इतने तेज हैं कि पैसे उनके खाते में आए, उन्होंने निकाल के इस्तेमाल भी कर लिया और बैंक में वो जो हैं जा भी नहीं रहे हैं ताकि उनको पैसा कहीं रिफंड नहीं करना पड़े, रिटर्न नहीं करना पड़े। यहाँ पे दोस्तों, ये आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद और तेज़ हो गया चर्चा। यानी कि केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया था कि जनधन के खाते में पैसे जाएंगे और छोटे छोटे किस्तों में जाएंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवाले ने एक बयान में कहा था कि जनधन के खाते में 15 लाख रुपए धीरे धीरे पहुँचेंगे। रिजर्व बैंक से पैसा न मिलने के कारण बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं। इसी बयान के बाद अचानक से खाते में पैसे आने से इस बयान को जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा मिल गई है और लोगों के मन में चल रहा है कि फिर से उनके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। दोस्तों देखिए, आएंगे नहीं आएंगे यह बताना तो संभव नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ है कुछ गांव के कुछ खातों में। यानी कि 2 दर्जन खाते ऐसे हैं जिनमें दोस्तों कुछ कुछ छोटे छोटे रकम आए हैं
और टोटल का टोटल खाता जो है जनधन का ही खाता है। यहाँ पे दोस्तों आप आके वो भी बात को पढ़ सकते हैं कि जो भी पैसे आए हैं 200 से 500 हज़ार रुपये आए हैं, या जो भी दोस्तों 2 से 5 हज़ार रुपये आए हैं, और टोटल जो खाता है वो है जनधन का ही खाता और छोटे छोटे किस्तों में आए हैं, तो बहुत सारे पैसे भेजे गए हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अगर दोस्तों आपका भी जनधन का खाता है तो आप भी जाइए अपने खाते के एक बार पुष्टिकरण कराइए, बैलेंस का इंक्वायरी कराइए और देखिए दोस्तों कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं। तो दोस्तों आप चेक करके कमेंट ज़रूर करें कि आपके खाते में कुछ पैसा आया है या नहीं। और वैसे ये जो न्यूज़ है पूरी तरह से जेन्युइन है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे नया अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। हम अपने चैनल पे अगला अपडेट देंगे कि जनधन योजना के खाते को लेकर क्या अपडेट चल रहा है, तो चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, यहाँ पे सिंपली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।